हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग, और ये जो कि पैंट के ऊपर पैंट रखकर कटिंग बताऊंगी किस तरीके से आप अपने पुराने पैंट को रखकर न्यू पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को बिछा लेना सेट करके। तो देखिए गाइस, इस कपड़े को मैंने सबसे पहले चालर फोल्ड करके बिछा लिया है। तो ये देखिए, 1, 2 और 2 नीचे लेयर हैं। इस तरीके से चालर करके मैंने इसको कपड़े को बिछाया हुआ है। किनारी वाली साइड इधर और इधर है। तो देखिए, मैंने ये प्लाजो ले लिया है, सिंपल पैंट है ये, यहाँ से भी कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है। अब देखिए, इसको आपको अच्छे से सेट करके, ये देखिए बंद साइड इधर से है और बंद साइड इधर से है, तो ऐसे करके इसको बिछा लेना है और ऊपर से आपको देख लेना है और नीचे से भी। तो वो अभी मैं पहले सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने ये निशान लगा लिया है। सबसे पहले तो मैंने ये निशान 1 इंच का सा लगाया, 1.25 इंच का सा। ये ऐसे करके फोल्ड आएगा, इसीलिए क्योंकि ये किनारी वाला पार्ट है। तो डबल फोल्ड तो करूंगी नहीं, मैं सिंगल फोल्ड करूंगी केवल इस तरीके से इलास्टिक के लिए, जैसे कि ये पड़ी हुई है। तो यहाँ से इसको मैंने सेट कर दिया, केवल एक पैर को इसको सेट किया है मैंने, देखिए। और यहाँ से आपको अच्छे से इसको सेट करके बिछाना है। और मेन पार्ट तो हमारा ये है, अगर ये आपने गलती से छोटा कट कर दिया तो पूरा पैंट हमारा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके पकड़ना है, इस तरीके से फैला के। तो चलिए, सबसे पहले मैं देखिए यहाँ से निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये सबसे मेन पार्ट है हमारा, म्यानी वाला हिस्सा जो होता है आसन वाला। तो यहाँ से अच्छे से खींचते हुए निशान लगाना है आपको, जो भी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, ये हमारा पार्ट है। आधा इंच आपको सिलाई के लिए भी चाहिएगा यहाँ से, आधा या 1 इंच का सा। तो मैंने यहाँ से निशान लगाया। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है वो हम सेट करेंगे अच्छे से, कहीं छोटी ना हो जाए इसीलिए। तो अच्छे से खींच के पकड़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पर चुनट वगैरह पड़ी हुई है तो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आपको इसको खींच के पकड़ना है। तो यहाँ पे ही आ रहा है वैसे, यहाँ पे ही 1 इंच करीब सिलाई में चला जाएगा, इसलिए यहाँ से मैं ये मैंने निचाई का निशान लगा दिया। और यहाँ से मोहरी जितनी भी चौड़ी रखनी है, मोहरी का निशान लगाना है 1 इंच करीब छोड़ते हुए, इस तरीके से 1 इंच का गैप छोड़ते हुए आपको ये निशान लगा देना है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी, वो और सबसे ज्यादा मेन चीज है। देखिए, यहाँ से मैंने ये नीचे वाला निशान लगा दिया, ये वाला निशान लग गया हमारा। अब देखिए, सबसे मेन चीज एक और है हमारी, जैसे कि ये सिलाई वाला पार्ट है हमारा, इसको सेट करना है इस तरीके से। यहाँ से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आपको पकड़ना है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है वहां से इसको सीधा रखना है। यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है। अब हमारा जो मेन निशान है ये नहीं है, ये है, क्योंकि हमने इस तरीके से इसमें इलास्टिक पड़ी हुई है इसीलिए खिंच रहा है, और ये हमने इस तरीके से सीधा करके पकड़ा है तब ये वाला निशान निकल के आ रहा है। तो ये वाला हमारा मेन निशान है, तो यहाँ पे हमें ये वाले निशान को लगा देना है। और फिर से हमें इसको यहाँ से, ये वाला जो निशान है यहाँ से इसको सेट कर देना है। ये सेट कर दिया हमने। तो चलिए, अब सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसकी जो चौड़ाई है उसको मैं नापूंगी एक बार। इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो है 17.5 इंच की। यहाँ से 1 और 2 इंच कम करते हुए यहाँ से 15.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी कमर का। तो ये मैंने निशान लगाया, यहाँ पर भी एक निशान लगाना है 15.5 इंच का, 2 इंच यहाँ से कम लेते हुए। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान आपको मिला देना है। ये हमने दोनों निशानों को मिला दिया। अब यहाँ से ये वाला जो निशान है नीचे वाला, इसको आपको इस तरीके से राउंड से दे देना है। तो देखिए, ये वाला मैंने इस तरीके से इसमें राउंड से दे दिया है। अब मेन हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से कटिंग, और ये यहाँ से, ये नीचे वाली जो लाइन है हमारी, यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे, ये नीचे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
अब मैं इसकी एक बार लंबाई और नाप लेती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे और छोटा पैंट हमारा छोटा या बड़ा ना हो, एक ही बार में परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ से देखिए ऊपर से हम पकड़ेंगे फिक्स नाप और पैंट को आपको अच्छे से पकड़ना है, कहीं भी ढोल वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से पकड़ते हुए देखिए ये करीब 39 इंच का सा आ रहा है, आधा इंच कम। तो देखिए 39 इंच हम रखेंगे और ये हमने जो लाइन ऊपर से ड्रॉ की हुई है इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा इतना फोल्ड हो जाएगा तो यहाँ से ये नापेंगे हम और नीचे तक फोल्ड के लिए छोड़ेंगे हम एक इंच का सा। तो यहाँ से पहले मैं नाप लेती हूँ, ये वाला जो निशान है हमारा, ये वाला सही निशान लगा था मेरा, देखिए मैंने अच्छे से खींच के किया था। तो और ये जो निशान लगा हुआ है यहाँ से मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है, इसके लिए म्यानी कटिंग करूंगी। अब देखिए ये मैंने म्यानी के लिए कपड़ा ले लिया है, तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको मैं इस तरीके से तिरछा रखूंगी उरेवी करते हुए। उरेवी अगर आप म्यानी लगाते हो ना तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो यहाँ से ये 7 इंच का ये मैंने निशान लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं ये 7 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरीके से और इस निशान से निशान को मिला दूंगी। तो देखिए मैंने इसको निशान लगा दिया 7 इंच का और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी 2 म्यानी बन चुकी हैं। इसकी जो चौड़ाई है म्यानी की देखिए नीचे से 5 इंच की है। इस तरीके से होती है सिंपल प्लाजो पैंट की कटिंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।